सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरुण के व्लॉग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे इस चैनल पे। सो गाइस, अभी कुछ दिनों से एक हैशटैग बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो हैशटैग है बॉलीवुड की होम डिलीवरी। सो आखिर क्या होने वाला है, इसमें एक सवाल है जो सभी के मन में है कि आखिर ये बॉलीवुड की होम डिलीवरी है तो है क्या, जिसके ऊपर आपने देखा होगा खासतौर पर अक्षय कुमार जी ने भी एक वीडियो बनाया है कि क्या वो गुड न्यूज़ लेकर आने वाले हैं। सो क्या है इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बताते हैं कि क्या होने वाला है अब, क्या कोई गुड न्यूज़ है या फिर है कोई बुरी खबर बॉलीवुड के लिए, क्योंकि अब बॉलीवुड की सारी मूवीज़ होने वाली हैं OTT प्लेटफॉर्म यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़। सो चेक करते हैं कौन सी 7 मूवियाँ हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, जिसमें से एक मूवी तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे सबके चहेते लेट सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मूवी है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, डिटेल में बात करते हैं और चर्चा करते हैं कौन सी और वो 6 मूवीज हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली हैं। लेट्स गो। सो गाइस, अब ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो अब होने वाली हैं रिलीज़ OTT प्लेटफॉर्म यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, इस तरह से कुछ जो प्लेटफॉर्म है उन पर रिलीज़ होने वाली है। सो ऐसे में क्या होगा सिनेमा हॉल का हाल, जहाँ पे हम लोग हमारे परिवार के साथ में अक्सर जाते थे मूवीज़ देखने के लिए, क्या वहाँ पे अब कोई भी मूवी रिलीज़ नहीं होगी या फिर एक बहुत लंबे टाइम तक मूवीज़ रिलीज़ नहीं होंगी। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस इसके चलते यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये नहीं है कि एक जो हैशटैग काफ़ी चल रहा है कि बॉयकॉट बॉलीवुड, फिलहाल वो एक अपने आप में एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल जो मेन बात है वो ये है इसके पीछे कि कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो फिलहाल अभी थिएटर्स में नहीं लग के वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है। उसमें से 7 मूवीज़ ऐसी सामने निकल के आई हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली है। तो चलिए, इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात तो हमारे लिए ये हो गई है, जो ऑडियंस की अगर बात करूँ, सो ऑडियंस की जेब पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनकी जेबें सेफ हो जाएंगी, क्योंकि जब वो थिएटर्स में जाते थे तो थिएटर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस लगता था, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता था, क्योंकि अगर हम थिएटर्स की टिकट की बात करें तो कई जगह पे 150, कहीं 200, कहीं 300, 350 तक का टिकट लगता था, और उसके बाद में अगर परिवार के साथ वो जा रहे हैं तो पॉपकॉर्न और इन चीज़ों की तो क्या ही कहने, तो एक बहुत ज़्यादा खर्चा, अगर हम एक बार पिक्चर देखना चाहते तो एटलीस्ट मान के चलिए 500,000 प्लस में हमारा खर्चा जाता था। सो अब ये 7 मूवीज़ जब आने वाली हैं तो बिना थिएटर के हमारे यहाँ पे घर पे आने वाली है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि जो थिएटर का जो एक्सपीरियंस होता है वो थिएटर का ही एक्सपीरियंस होता है, वो घर पे जब लोगों को आदत पड़ जाएगी तो क्या उसके बाद में लोग थिएटर जाना पसंद करें, क्योंकि जब आदत हो जाती है इंसान को वो घर पे बैठ के देखना ज़्यादा पसंद करेगा। लेकिन फिर भी एक थिएटर की अगर बात करूँ तो थिएटर की बात होती है, लेकिन यहाँ पे अभी ये कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा कि किसको होगा नुकसान या किसको होगा फ़ायदा। और अगर फ़ायदे की बात करूँ तो यहाँ फ़ायदे में अगर रहेगी तो हो सकता है वह छोटी मूवीज़ रहेंगी, क्योंकि जिनका बजट ज़्यादा नहीं था, लो बजट की मूवीज़ थी, वो एक अमाउंट पर्टिकुलर फिक्स करके कि मान लीजिए अगर उन्होंने 30 करोड़ में कोई मूवी बनाई है तो 40-50 या जो भी मार्जिन उनको रखना है वो रख के उस मूवी को वो लोग रिलीज़ कर देंगे OTT प्लेटफॉर्म पे, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ताकि उनका जो एक्सपेंस है वो निकाल के वो उतना प्रॉफिट रख सके। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ को, जहाँ पे इतने बड़े बड़े सेलेब, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, अक्षय कुमार जी हैं, अजय देवगन जी हैं, ये सब जो हैं, अगर ये अपनी मूवीज़ को उस पर रिलीज़ कर देंगे तो कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ और भी मूवीज़ हैं जिनका हम सभी लोग काफ़ी देरी से और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और वो मूवीज़ हैं KGF 2 और सूर्यवंशी। क्या ये मूवीज़ भी इस पर रिलीज़ होंगी, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको बताते हैं हम लोग कौन सी वो 7 मूवी हैं जो होने वाली हैं OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो। सो गाइस, जो पहली मूवी आपके सामने आ रही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, द मोस्ट अवेटेड मूवी, जिस मूवी का हम सभी लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो मूवी है दिल बेचारा। जी हाँ दोस्तों, दिल बेचारा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत जी की आखिरी मूवी है और जिन्हें डायरेक्ट किया है मुकेश छाबड़ा जी ने, एक काफ़ी बेहतरीन लव स्टोरी, बहुत ही इमोशनल। सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ के बाद में ये मूवी हम सभी के लिए काफ़ी स्पेशल होगी, इस मूवी को देखना। एंड जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जी की ये आखिरी मूवी है, जो हम सब लोग जानते हैं कि काफ़ी बेसब्री से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इस मूवी का। सो आप लोग भी बताइए कि आप लोग कितना एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कौन कौन उस मूवी को देखने के लिए बेताब है, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और एक लाइक अगर कर सकते हो, आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ जो मैं बोल रहा चाहूँगा वापस से, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुशांत सिंह की
इस मूवी को देखने के लिए बेताब हैं, प्लीज़ वो लोग तो एटलीस्ट नीचे कमेंट करके बताइए एंड शो योर लव कि कितना हम लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं। सो गाइस, दूसरी जो बड़ी मूवी आ रही है वो आ रही है अजय देवगन सर की, और मूवी का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जो कि 1971 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है। उसमें इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक की बायोपिक है ये। सो उनकी कहानी बताई जाएगी कि किस तरह से उस टाइम पे वॉर हुआ था और क्या उस पिक्चर में होता है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही मालूम चलेगा। और इस मूवी में अजय देवगन सर के साथ साथ संजय दत्त जी और सोनाक्षी सिन्हा के साथ साथ और भी काफी सारे आर्टिस्ट हैं। सो ये भी अनफॉर्चुनेटली अब हॉटस्टार पर ही रिलीज होने वाली है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट मूवी की तरफ। सो गाइज, जो अगली मूवी है वो अगली मूवी है द बिग बुल, जो कि है अभिषेक बच्चन जी की। जो अभिषेक बच्चन जी भी एक बायोपिक लेकर आ रहे हैं जो है 1990s में काफी ज्यादा फेमस हुए थे, हर्षद मेहता। जी हाँ, हर्षद मेहता, आप सभी लोगों ने शायद नाम सुना भी होगा हर्षद मेहता, जो कि स्टॉक ब्रोकर में काफी बड़े घोटाले में उनका नाम आया था। सो उनके ऊपर ये बायोपिक है। तो कैसे इस मूवी में वो स्टोरी दिखाई जाती है तो आपको मूवी अगेन देखने के बाद ही मालूम चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ। इसके बाद जो गाइस मूवी निकल के आ रही है वो है विद्युत जम्वाल की खुदा हाफिज। जी हाँ, खुदा हाफिज मूवी आ रही है विद्युत जम्वाल की, काफी अमेजिंग। अगर टाइगर श्रॉफ के बाद में अगर किसी या फिर टाइगर श्रॉफ के लेवल पे अगर हम लोग बात करें बॉलीवुड में अगर एक्शन हीरोज में किसी का नाम लिया जाता है, वैसे अक्षय कुमार सर का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी हाल ही में अगर यंगस्टर्स के हिसाब से बात करें सो विद्युत जम्वाल जी का नाम भी काफी अच्छे से लिया जाता है। कमांडो मूवी में आप इनको देख चुके हैं। सो इनकी मूवी भी OTT प्लेटफॉर्म पे अब रिलीज होने वाली है। सो गाइस, नेक्स्ट मूवी जो निकल के आ रही है सामने वो आ रही है कुणाल खेमू जी की लूट केस। तो लूट केस बेसिकली एक कॉमेडी मूवी है जो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर सकती है लोगों को घर बैठे बैठे। तो देखते हैं इस मूवी के अंदर भी क्या कॉमेडी है। वैसे कुणाल खेमू अपनी कॉमेडी के हिसाब से काफ़ी जाने जाते हैं, गोलमाल अपनी बखूबी देखी है। सो इस बार वो लेकर आ रहे हैं लूट केस। सो देखते हैं क्या वो खास लेकर आए हैं लूट केस के साथ में अपने घरों में जब वो आएगी, लेट्स सी। सो गाइस, एक और बहुत ही बड़ी मूवी है जो कि है अक्षय कुमार जी की। अक्षय कुमार जी की कौन सी मूवी है? सो अक्षय कुमार जी की जो मूवी है वो है लक्ष्मी बॉम्ब। सो आप लोगों ने काफ़ी उसके पोस्टर्स भी देखे होंगे। सो अब फाइनली ये सुनने में आ रहा है कि वो मूवी भी OTT प्लेटफॉर्म पे यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। सो इस पिक्चर को लेके काफ़ी लोग एक्साइटेड भी हैं कि क्या होगा इस मूवी में, कैसी होगी ये मूवी। सो अब ये घर बैठे ही हमें देखनी होगी। सो गाइस, लास्ट मूवी जो आ रही है वो वैसे तो काफ़ी लोग इसको सुनते से ही, मैं अगर इनका नाम भी लूँगा तो शायद काफ़ी लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो काफ़ी एक गुस्सा, एक आक्रोश लोगों के अंदर है फिलहाल उनको लेके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महेश भट्ट की, जिनकी मूवी आ रही है सड़क 2, जिसके अंदर अगेन एक बार फिर से संजय दत्त जी और पूजा भट्ट और साथ में आलिया भट्ट भी इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। ये उनकी मूवी आ रही है सड़क 2। अनफॉर्चुनेटली ये मूवी भी अब OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी। अब देखना ना देखना ये तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल ये रिलीज हो रही है OTT प्लेटफॉर्म पर। इन्फॉर्मेशन देनी थी, दे दी। सो गाइस, ये थी तमाम वो मूवियां, 7 मूवियां जो होने वाली हैं OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज। इसमें से आप लोग कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं आप चाहे तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और इसमें किसको होने वाला है फायदा और किसको होने वाला है नुकसान, यानी कि बॉलीवुड में होने वाली है बहुत ज्यादा हलचल। क्या ये आगे ट्रेंड बन जाएगा या फिर ये सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, यही मूवी सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म रिलीज होगी और बाकी के लिए वेट किया जाएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आपकी क्या राय है, इन 7 मूवीज में से आप कौन सी मूवीज देखने के लिए एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में अगर आप इस वीडियो तक अभी तक अगर बनाए हो आप तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस इज तरुण पुरोहित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।